हेलो गाइज, आपका स्वागत है मेरी एक और न्यू वीडियो के अंदर। तो आज आपको फेस स्मूथ करना है एंड साथ में हेयर को एडिट करना है, बैकग्राउंड को कैसे चेंज करना है और कपड़ों का कलर कैसे चेंज करना है सब इस वीडियो के अंदर मैंने बताया है। कोई फेक वीडियो नहीं रहेगा, जो थंबनेल पे दिखाया वही आपको आज सिखाऊंगा। तो चलिए बिना देरी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने बैकग्राउंड को ऐड कर लेंगे पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। पिक्सआर्ट एप्लीकेशन नहीं है तो टेलीग्राम से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो, आपको वहां पर मैं दे दूंगा। अब आपको ऐड फोटो में जाना है और ऐड फोटो में जाने के बाद आपको अपनी नॉर्मल सी फोटो का यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो आपके सामने फोटो भी दिखा देता हूँ, कितनी डार्क एंड फोटो है ये देख सकते हो। इस फोटो का यहीं पर आज एडिट करके अच्छे तरीके से आपको सिखाऊंगा। अब आपको रिमूव बैकग्राउंड पे यहाँ पे क्लिक कर देना है और आप देख सकते हो वन क्लिक के अंदर आपका यहाँ बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। बस आपका यहाँ पर नेट जरूर ऑन होना चाहिए। तो यहाँ पर बैकग्राउंड परफेक्ट तरीके से रिमूव हो गया है। अब आपको इसको क्या करना है, ऊपर राइट वाला ऑप्शन मिल रहा है उस पर आपको क्लिक करके इसको कर लेना है डन। तो बिफोर एंड आफ्टर आप देख सकते हो। अब आपको यहाँ पर कपड़ों का कलर चेंज करना है तो उसके लिए आपको ऐड फोटो में चले जाना है। जाने के बाद आपको पिंक कलर का एक बैकग्राउंड ऐड कर लेना, आपकी मर्जी, आप कोई सा भी ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पर पिंक कलर सेलेक्ट करा है एंड यहाँ से आपको ब्लेंड ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और इसको यहाँ से आपको ओवरले पे सेलेक्ट कर देना है। इतना करने के बाद आपको ऊपर इरेज वाला आइकॉन मिल जाएगा और यहाँ से आपको अब इन्वर्ट पे क्लिक कर देना है और यहाँ से हार्डनेस देख सकते हो और साइज स्क्रीन पे देख लो, इतना आपको रख लेना है। और अब आपको अपने कपड़े के ऊपर, अपने टी शर्ट जैकेट जो भी है उसके ऊपर आपको परफेक्ट तरीके से आपको ब्रश को चला देना है। अब मैं यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर अपने कपड़े के ऊपर ब्रश को चला दूंगा और कपड़े का जो कलर है अच्छे तरीके से यहाँ पर चेंज कर दूंगा। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो ऐसा फोटो एडिटिंग मैंने एक और सिखाया अपने स्क्रीन पे। अभी मेरे चैनल पे जाके नहीं देखा हो तो आप जाके देख सकते हो, उस पर भी मैंने परफेक्ट तरीके से आपको एडिटिंग सिखाया और कपड़े का कलर भी चेंज करना और कपड़े को भी चेंज करना सिखाया है। अब आपको ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शन पे जाना है, सैचुरेशन को 100 कर देना है, कॉन्ट्रास्ट आप देख सकते हो स्क्रीन पे कुछ इतना परसेंट यहाँ पर रख लेंगे और क्लैरिटी को हल्का सा बढ़ा लेंगे एंड शेडो मिल जाएगा आपको, शेडो को हल्का सा इंक्रीज कर लेंगे एंड यहाँ पर इतना करने के बाद आपको राइट पे क्लिक कर देना है। अगेन आपको यहाँ से राइट पे क्लिक कर देना है। बिफोर एंड आफ्टर आप देख सकते हो। अब आपको यहाँ पर फेस को स्मूथ भी करना है, वाइट करना है, उसके लिए आपको रिटच वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर एक स्मूथ का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ से इसको ऑटो पे सेलेक्ट कर देना है। तो इसको मैंने ऑटो पे सेलेक्ट कर दिया, फेस मेरा परफेक्ट तरीके से स्मूथ हो गया है। अब आपको यहाँ से राइट पे क्लिक कर लेना है। अब आपको यहाँ से मेकअप वाले ऑप्शन पे चले जाना है, यहाँ से आपको लिप्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है और इसको रेड कलर के लिप्स में आपको सेलेक्ट करके राइट पे क्लिक कर लेना है। अब आपको यहाँ पर स्किन टोन का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको वाइट कलर ऐड कर लेना है। कलर वाले ऑप्शन पे जाके वाइट कलर ऐड करेंगे और इसको यहाँ पर ऑटो पे सेलेक्ट कर देना है। आपका फेस परफेक्ट तरीके से यहाँ पर गोरा हो जाएगा, साफ हो जाएगा और यहाँ से आपको राइट पे क्लिक कर देना है। बिफोर एंड आफ्टर आप देख सकते हो। अब आपको हेयर को एडिट करना बताऊंगा तो ऐड फोटो वाले ऑप्शन में आपको चले जाना है और यहाँ से आपको एक हेयर PNG दे दूंगा, उसको यहाँ पर आपको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपको साइज को बड़ा करना है और अपने हेयर के ऊपर कुछ इस प्रकार इस PNG को ऐड कर लेना है। तो आप देख सकते हो आपके अच्छे तरीके से यहाँ पर हेयर एडिट हो जाएंगे। और इतना होने के बाद आपको बिफोर एंड आफ्टर फोटो देख सकते हो। फोटो को थोड़ा सा रीटच करना है, उसके लिए हम लाइटरूम एप्लीकेशन में फोटो को शेयर करेंगे। तो ड्रॉ पे क्लिक करेंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, फोटो को यहाँ पर करना है सेव और लाइटरूम एप्लीकेशन में आपको शेयर कर देना है। लाइटरूम एप्लीकेशन अगर आपके पास नहीं है तो टेलीग्राम पे दे दिया है, आप जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हो। अब आपको मोर ऑप्शन पे यहाँ से क्लिक करके इसको मैं भेज देता हूँ लाइटरूम एप्लीकेशन में और डायरेक्ट यहाँ से एडिट टू LR कर देता हूँ। अब आपको लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, देख सकते हो आपका ओपन हो जाएगा डायरेक्ट। अब आपको थोड़ा सा इसमें कुछ नहीं करना, बस अपने फेस को कलर करना है। तो इसलिए एडिट पे जाएंगे और यहाँ से जाएंगे कलर वाले ऑप्शन में। कलर वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पर मिक्स टूल का आइकॉन एक मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको ऑरेंज कलर जो मिलेगा उस पर आपको चले जाना है। तो रेड का थोड़ा सा बढ़ा लेंगे सैचुरेशन, हल्का सा लूमिनस,
अब आपको ऑरेंज पे चले जाना है यहाँ से, ऑरेंज जिससे आपका फेस बिल्कुल अच्छे तरीके से वाइट हो जाएगा, स्मूथ भी हो जाएगा। तो यहाँ पर सैचुरेशन डाउन करेंगे, लूमिनस बढ़ा लेंगे, तो आप देख सकते हो आपके फोटो में फेस पे चमक अच्छे तरीके से यहाँ पर आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर और भी कलर मिल जाएंगे, उनको भी आपको हल्का हल्का सा कर लेना है। जो यहाँ पर मैं स्क्रीन पे सेटिंग रख रहा हूँ वो सेटिंग आपको भी यहाँ पर रख लेनी है। तो इतना आपको कर देना है, रेड का सेचुरेशन यहाँ पर डाउन कर लेना है, येलो पे जाना है, येलो का सेचुरेशन डाउन कर देना है और लूमिनस बढ़ा लेना है। ब्लू पे जाना है, ब्लू का आपको जो यू है हल्का सा आपको छेड़ना, ज़्यादा नहीं हल्का सा, और सेचुरेशन हल्का सा बढ़ा लेंगे यहाँ पर, और लूमिनस भी हल्का सा इसका बढ़ा लेंगे। पिंक पे जाएंगे, थोड़ा सा इसका सेचुरेशन बढ़ा लेंगे, और यहाँ से इतना करने के बाद आपको कर लेना है डन। डन करने बाद आपको बैकग्राउंड को ब्लर करना भी आपको बता देते हैं यहीं पर। तो यहाँ पर आपको एक ब्लर का एक ऑप्शन मिल जाएगा, देख सकते हो, इस पर आपको क्लिक करना है और ऑटोमेटिक आपका यहाँ पर बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगा। आपको कोई अदर एप्लीकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है, सही से ब्लर नहीं होता। आप लाइट रूम एप्लीकेशन से ब्लर कर सकते हो, आपका फोटो अच्छे तरीके से ब्लर हो जाएगा। अब यहाँ से सर्कल वाला मैंने ऑप्शन सेलेक्ट कर रखा है और डन कर लेना है। फोटो में थोड़ी सी चमक लानी है और फेस को स्मूथ करना है, तो आपको इफेक्ट में जाके टेक्सचर को थोड़ा सा कम कर लेना है। टेक्सचर को कम करोगे तो आप फेस यहाँ पर देख सकते हो परफेक्ट तरीके से, जितने भी पिंपल है वो सारे रिमूव हो जाएंगे। क्लैरिटी को आपको हल्का सा बढ़ा लेना अगर आपको बढ़ाना चाहते हो, अगर उसको भी कम रखोगे तो आपका फेस और भी अच्छे तरीके से चमक में हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, 10% डीज को बढ़ा लेना है, और अब आपको डिटेल पे जाना है और शार्पनिंग को यहाँ पर आपको बढ़ा लेना है। शार्पनिंग को यहाँ पर मैंने 100% रख दिया है। इफेक्ट पे एक बार आपको दोबारा से चले जाना है, और जो क्लैरिटी आप देख सकते हो स्क्रीन पे मैंने कितनी रखी है, तो इतना परसेंट माइनस इसको और कर देना। आपका फोटो परफेक्ट तरीके से एडिट हो गया, देख सकते हो स्क्रीन पे, कोई फेक वीडियो नहीं, बिफोर एंड आफ्टर फोटो देख सकते हो। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि फेक वीडियो से बच के रहना। ये ओरिजिनल वीडियो सारी ट्रिक आपको बता दी है। वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।